राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो आज हम लोग बात करेंगे यार पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। हम देखो, हम तुम लोगों को एकदम रियलिस्टिक चीज़ें बताएंगे यहाँ पे। हम कुछ भी ऐसा बनावटी नहीं बताएंगे जो दूर से देखने में अच्छा लगे और जब पास पहुँचोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये सबसे बड़ी गलती होती है पोस्ट प्रेफरेंस पे, जिसकी वजह से ना जाने कितने तो अपनी नौकरी छोड़ बैठते हैं, या फिर कितने ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने स्ट्रेस में नौकरी कर रहे हैं। मतलब मज़ा नहीं आ रहा उनको, बस वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो 80,000 रुपये सैलरी या फिर हमें स्टेबिलिटी है। अब कुछ लोग इसके ऊपर भी तर्क वितर्क करेंगे, भाड़ में जाओ। पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर अगर हम बात करें, देखो क्या होता है, जो चीज़ें दूर से देखने में तुम्हें अच्छी लगती हैं या फिर तुम्हें लगता है कि क्या आप बेहतरीन हैं, उनमें अंदर डबल ट्रिपल मेहनत होती है। अब देखो, आजकल एक तुम्हें मोटिवेशन दिया जाता है CBI, ठीक है, ED, NIA, ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए बड़ा वो टसन दिखाया जाता है कि तुम्हारे पास ये पावर रहेगी, तुम करोड़ों रुपया जब्त करोगे किसी से, और मतलब बड़े मंत्रियों के घर पे रेड मार दोगे। एक चीज़ हम अच्छे से बता दें, ये कोई आम काम नहीं होते हैं, ये कोई ऐसे काम नहीं होते हैं जो कि तुम्हें लगता है कि ऐसे रेड मार दोगे जाके सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं बॉस, इनके पीछे प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग होती है, समझ रहे हो बात को। तो ये जितनी भी पोस्टें होती हैं ना, जिनके बारे में आजकल बड़ा वो बताया जाता है, पूरी वीडियो ध्यान सुनना, बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं, जिसके पीछे ये बताया जाता है कि तुम यार इसमें चले जाओगे ये पावर हो जाएगी, मोहल्ले में रुतबा, गली में रुतबा, कुछ भी नहीं, समझो मेरी बात को। ये वो नौकरियां हैं जिनमें 24-24 घंटे की नौकरी लग जाती है कभी कभी, उसके लिए ही 13 महीने की सैलरी दी जाती है। होता क्या है कि ये जो जितनी भी जॉब है ये इस तरीके की टॉप, देखो ये बड़ी एजेंसी है यार इंडिया की, ठीक है, लीडिंग एजेंसी, मतलब इनसे ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं किया जा सकता है। तो ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए मेहनत भी डबल ट्रिपल होती है, और इनकी टीम पे मेंबर उतने होते नहीं हैं अभी के इलाज, क्योंकि कोई तुम देखोगे अभी नई हाल फिलहाल में बनी है कोई एजेंसी, तो इससे क्या होता है कि उतने मेंबर हैं नहीं, तो मेहनत डबल है इसमें। अब कुछ लोग जोश के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में पहुँच तो जाते हैं, साल 6 महीना भी नौकरी नहीं कर पाते, रिजाइन दे के चले आते हैं। हमने बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है, या फिर वो दोबारा फॉर्म भर के दूसरी नौकरी लेते हैं, इनकम टैक्स कहीं कुछ और ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें इस तरीके के थोड़े से खुफिया विभाग वाले या फिर फील्ड वर्क वाले ऐसे प्रोफेशन अगर जॉब चुननी है, तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि तुम्हारे खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। मोहल्ले में भौकाल जमाने के लिए नौकरियां नहीं है कि तुम, टीचर्स भी आजकल बता देते हैं कि तुम्हारा इतना भौकाल रहेगा कि तुम ये वो, नहीं यार, तुम पहले अपना देखो, देश के लिए देखोगे वो अच्छी चीज़ है, वो तभी देख पाओगे जब तुम अपना देखोगे। तो सबसे पहले खुद को देखो कि उस जॉब में तुम सेटिस्फाइड हो भी कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि उसमें तुम्हें घर आने का बहुत मुश्किल से मिलेगा, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, इधर टूरिंग पे रहते हो परमानेंट, तो इसलिए इस थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से भरा करो, ठीक है। अब आते हैं कुछ वैकेंसीज के ऊपर। ASO की वैकेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब कहें हम, इस समय ट्रेंडिंग पे है। इनकम टैक्स, GST इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सारी नौकरियां बहुत इस समय हाइप पे हैं। अब समझो मेरी बात, जब भी तुम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला यार ये ध्यान रखो कि जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली है, ये बहुत मैटर करती है यार। अब किसी का कोई है यहाँ का, किसी को तमिलनाडु भेज दिया, किसी को चंडीगढ़ भेज दिया, वो रह नहीं पा रहा है, वो खाना ही नहीं खा पा रहा है वहाँ का, तो वो जाहिर सी बात है नौकरी छोड़ देगा, आज नहीं तो कल छोड़ देगा। तो सबसे पहली बात ये देखो, जॉब लोकेशन, जिसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, हो सकता है तुम्हारे स्टेट में कुछ हो जाए, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि तुम्हें 1-2 दिन नहीं करनी है, अब वो 40-45 साल तुम्हें वो नौकरी करनी है, तो सबसे पहले देखो उनका काम क्या है, जिस भी तुम उसमें जा रहे हो उनकी पहले वर्क प्रोफाइल चेक कर लो कि तुम्हें उसमें काम क्या करना है जाके। क्योंकि अगर हम मानते हैं 7 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन फिर भी जाना तो तुम्हें 40 साल पड़ेगा ना, तो इस वजह से ये भी चेक कर लो कि वहाँ की जॉब प्रोफाइल क्या है। सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, CGL कर ले, एक बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, यकीनन हमने पता नहीं कितने लोगों को रिजाइन करते हुए देखा है, वो पोस्ट पे उनके पास एडमिट कार्ड रखे हैं वो गए नहीं हैं। तो इस वजह से जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखो सैलरी की अगर बात करें, अगर तुम्हारी एक मनचाही पोस्ट मिल जाएगी और अगर तुम्हारा होम स्टेट मिल जाएगा, 10,000 रुपये सैलरी कम भी मिलेगी चलेगा, क्योंकि तुम जिंदगी भर मौज में करोगे वो नौकरी। वहीं अगर कोई पोस्ट ऐसी भी होती है जहाँ पे 90,000 सैलरी होती है, लेकिन वहाँ पे वो आदमी खुश नहीं है, और जब तक वो खुश नहीं है नौकरी नहीं करेगा वो, ठीक है। इसलिए जब भी तुम पोस्ट प्रेफरेंस अपनी भरो, बहुत कायदे में भरो, सिर्फ जो टीचर बता रहे हैं उनसे मोटिवेट होके, कोई तुम्हारा दोस्त बता रहा है उससे मोटिवेट होके, ये सब मत करना चूतिया पे।
तुम अपने हिसाब से भरो, क्या तुम्हें चाहिए उस जॉब के बारे में डिटेल में पहले समझो, पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे मत भर दिया करो, क्योंकि दोबारा तुम अगर पेपर दोगे निकले ना निकले कुछ पता नहीं है, तो पहली बार में ही सटीक जगह पहुंच जाओ, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के पोस्ट, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब देख के पोस्ट मत भरा करो कि उन्होंने बता दिया इतनी हाई पे तो भर दे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।